वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं मुनीश कश्यप आपका अपने शिक्षा धन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कंट्री और उनकी कैपिटल्स के बारे में। हम इनको अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। आज आप देखेंगे कि कितनी भी टफ आपकी जो कैपिटल है उसको हम इजिली कैसे याद कर पाएंगे। देखिए, इतनी सारी कैपिटल है, आप उनको कैसे याद कर पाओगे, तो इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कैपिटल देख लेते हैं, भारत है। भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली, सभी को पता होगा। फिर भी इसको देख लेते हैं भाई, भारत में क्या है? दिलवाले लोग रहते हैं। भारत में कैसे लोग रहते हैं? दिलवाले। तो आपका जो भारत होगा क्या होगी? दिल्ली। दिल्ली है दिलवालों की। और भारत कहाँ है? दिल्ली कहाँ पर है? भारत में। तो भारत की कैपिटल क्या होगी? दिल्ली। सेकेंड देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। देखिए, पाकिस्तान में ज्यादातर फॉलोअर किसके हैं? इस्लाम के मानने वाले हैं भाई, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपकी है सीरिया। थर्ड क्या है? सीरिया। और उसकी कैपिटल क्या है? दमिश्क। इसमें देखिए, ऐसा समझिए, रिया एक लड़की है। क्या है? रिया एक लड़की है। अब इसकी याद कैसे करनी कैपिटल, इसको देखिए। दमिश्क को आप ब्रेक करोगे दम और इश्क, यानी कि रिया का दम निकल गया। रिया का दम निकल गया किसमें? इश्क में। इश्क में तो अच्छो अच्छो का दम निकल जाता है, बेचारी रिया थी वो। तो कैसे याद हो जाएगा? रिया की, सीरिया की क्या हो गई? दमिश्क। क्लियर। अगला देखते हैं, अगली है मॉरिशस। चौथे नंबर क्या है? मॉरिशस। उसकी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस को आप देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। मॉरिशस यानी कि मेरी सास, मोरी सास लिख लेंगे, मेरी सास, ठीक है। ये तो मॉरिशस हो गया। अब इसको पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस को आपने कैसे रखना है याद? पोर्ट यानी कि पैंट लेके आई किसकी? लिवाइस की। यानी कि पैंट लेके आ रही है वो, किसकी पैंट लेके आ रही है? आपकी सास है, आप उसके घर पे गए, तो उसने किसकी पैंट दी? लिवाइस की पैंट दे दी। यानी कि आपकी मॉरिशस की क्या हो गई? पोर्ट लुइस। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली है भूटान। भूटान की क्या है? थिम्पू। देखिए, ऐसे समझ लीजिए, भूटान यानी कि भूत वाली टोन बज गई। आप किसी के मोबाइल में क्या बजा? भूत वाली टोन बज गई, तो उसको आपका थिम्पू, थम, थिम्पू माने तो थम गए एकदम, थम गए यानी कि रुक गए एकदम। तो यानी कि भूत की टोन सुनते ही आप थिम्पू यानी कि थम गए एकदम, तो भूटान की क्या हो गई? थिम्पू। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगली है जॉर्डन। जॉर्डन की देखिए सिंपल है, इसको क्या बोलेंगे? डॉन। जॉर्डन यानी कि डॉन की क्या है? अम्मान। जो डॉन लोग होते हैं भाई, जनरली लोग उनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो जॉर्डन की क्या हो जाएगी? सम्मान यानी कि अम्मान हो जाएगी कैपिटल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली है म्यांमार। इसका क्या है? नेपिताओ। यानी कि आप देखो इसमें क्या, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे वो समझिए। म्यांमार यानी कि कोई बच्चा है, उसको मैया उसको मार रही है। म्यांमार ना पिटाओ। म्यांमार मतलब वो लड़का बोल रहा है, मैया मार ना पिटाओ मेरे को, यानी कि मैया मेरे को मार ना पिटाओ। याद हो जाएगी आसानी से। म्यांमार की क्या होगी? ना पिटाओ, यानी कि मैया मार ना पिटाओ। जैसे कृष्ण जी भी क्या बोलते थे अपनी माँ से कि मैया मार ना पिटाओ मुझे, तो ऐसे आ सकते हैं म्यांमार की क्या हो गई? ना पिटाओ। अगली देखते हैं आपकी श्रीलंका। श्रीलंका की क्या है? कोलंबो। श्रीलंका के भाई आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट लवर्स तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में। तो श्रीलंका के देखिए जनरली जो प्लेयर होते हैं काले काले होते हैं और कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो यानी कि कोलंबो यानी कि काले हैं और लंबे हैं। किसके प्लेयर? श्रीलंका के। कैसे प्लेयर है श्रीलंका के? काले लंबे, कोलंबो, ठीक है। अगला चलते हैं चीन। चीन की बात कर ले भाई, चीन आजकल देख रहे हैं भाई, चीन आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी है भाई, अपनी फालतू की हरकतों में भाई, युद्ध करने में, फालतू लोगों को परेशान करने में। चीन को बड़ा मजा आता है, बहुत बिजी रहता है लोगों को परेशान करने में। तो चीन की क्या है? बीजिंग। बीजिंग को क्या पढ़ेंगे? बिजी। यानी कि चीन बिजी है किसमें? लोगों को परेशान करने में। तो चीन की क्या हो गई? बीजिंग। अगला देखते हैं मंगोलिया की। भाई आपकी कैपिटल क्या है? मंगोलिया की है आपकी उलान बटोर। मंगोलिया की है आपकी उलान बटोर। तो देखेंगे इसको आपने याद कैसे करना है वो समझते हैं। मंगोलिया मतलब एक औरत है, वो अपने बच्चे से बोल रही है मंगोलिया बटोर के, यानी कि इसको कैसे कह रहे हैं? मंगोलिया कह रहे हैं मंगोलिया बटोर के, यानी कि मंगोलिया कैसे करके? बटोर के लिया, मतलब बाहर पड़े हुए हैं तो बटोर के लिया। तो मंगोलिया की क्या हो गई? उलान बटोर। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली है जापान। 11वें नंबर की देखते हैं, जापान की क्या है? टोक्यो। देखिए जापान जब ये इसको ब्रेक कर सकते हैं पान, यानी कि कोई बंदा पान खा रहा है तो उससे वो क्या कहता है?
अगली बार ना टोकियो, पान खाने दे मेरे को अगली बार ना टोकियो। क्लियर, जापान की क्या हो जाएगी, टोकियो। अगला देखते हैं ताइवान। देखिए सिंपल सा, ये ताई, यहाँ पे भी ताई आ रही है, यहाँ पे भी ताई आ रही है, होगी किसी की भी ताई, तो ताइवान की क्या हो जाएगी आपका, ताइपे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका थाईलैंड, थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक। जनरली आपको पता ही होगा थाईलैंड की बैंकॉक है, आपको याद कैसे करना है, थाई, थाईलैंड की थाई से बात करेंगे, थाई मसाज के लिए, भाई थाई की आपकी भाई पेन हो रहा है, थाई मसाज के लिए आपको क्या चाहिए, बैंक में पैसे होना जरूरी है। क्या जरूरी है, बैंक में पैसे होना जरूरी है थाई मसाज के लिए, तो आप थाईलैंड की क्या हो जाएगी, बैंकॉक। अगली देखते हैं वियतनाम। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, वियतनाम को यानी कि नियत नाम, नियत नाम की कोई चीज नहीं है भैनोई में, हनोई को क्या पढ़ेंगे, भैनोई पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे, भैनोई, और इसको बोलेंगे नियत नाम, यानी कि नियत नाम की कोई चीज नहीं है भैनोई में। कोई होगा कोई बेकार सा आदमी, तो उसका क्या हो गया, नियत नाम की कोई चीज नहीं है भैनोई में, तो आसानी से याद हो जाएगी वियतनाम की हनोई। क्लियर, अगले चलते हैं। अगला है आपका कंबोडिया, कंबोडिया की भी क्या है आपकी, नाम पे। अब इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कॉम्बोडिया, कंबोडिया को हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्बो दिया, किस चीज का, नाम और पैन का। इसकी अगर हम इंग्लिश में अगर इसकी बात करें, वो हमारा होता है PHONOM, आपका PENH, ये आपके इंग्लिश में क्या होता है, नाम पेन, तो यानी कि फोन आ रहा है ये और ये पेन आ रहा है, तो यानी कि कॉम्बो दिया किसका, फोन के साथ पेन का कॉम्बो दिया, नहीं तो हम बोलेंगे नाम के साथ पेन का कॉम्बो दिया, दोनों को कॉम्बो दे दिया, तो कंबोडिया की क्या हो गई, नाम पेन। क्लियर, अगला चलते हैं, आगे देखेंगे हांगकांग, सॉरी ठीक है 16 आपका हांगकांग, हांगकांग की क्या है, विक्टोरिया। आपने मूवी मूवी देखी होगी किंग कॉन्ग, वो हमेशा क्या होता था, विक्ट्री, वो जीत जाता था, किसी भी आपका किसी भी एनिमल से लड़ता था, किसी भी जानवर से लड़ता था, किसी भी राक्षस से लड़ता था, तो वो क्या करता था, जीत जाता था। हांगकांग की क्या हो गई, किंग कॉन्ग से रिलेट करेंगे, हांगकांग किंग कॉन्ग क्या करता था, विक्ट्री होती थी उसकी हमेशा, तो हांगकांग की क्या हो गई, विक्टोरिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली है फिलीपींस, फिलीपींस। अब देखो इसको कैसे, फिलीपींस की क्या है, मनीला। अभी इसको आपने कैसे याद करना है, फिलीपींस यानी फीलिंग वाली पिल्स, यानी कि गोलियों की, एक भाई बंदा है वो आपका मेडिकल स्टोर पे गया, फीलिंग वाली, कह रहा था फीलिंग वाली पिल्स दे दो, भाई जिससे खुशी मिले उसको फीलिंग वाली पिल्स दे दो, तो डॉक्टर वो मेडिकल वाला क्या बोलता है, पहले मनीला, भाई क्या कह रहा है, मनीला, यानी कि फीलिंग वाली पिल्स लेने के लिए उसको क्या चाहिए, वो कह रहा है मनीला, तो ऐसे याद कर लेंगे फिलीपींस की क्या हो गई, मनीला। नेक्स्ट पे चलते हैं सिंगापुर, सिंगापुर की भाई सिंगापुर है, सिंपल सा, इसमें कोई याद नहीं करना। अगला देखते हैं मोजाम्बिको, क्या है, मापतो। अब देखो इसको कैसे याद करना है, मोजा, मोजा भी सभी जानते हैं भाई, सॉक्स की बात कर रहे हैं भाई, आजकल लॉकडाउन चल रहा है भाई, तो सब लोग घर में हैं, तो एक पति अपनी पत्नी से बोलता है कि भाई मोजा कहाँ रखा है मेरा, कहाँ रख दिए मेरे मोजे, तो पत्नी क्यों बोलती है, नापतो, क्या बोलती है भाई, ना मापतो को क्या बोलेंगे, नापतो, मेरे लिए नहीं पता भैया कहाँ रखे, आपने रखे होंगे कहीं, तो मोजा, मोजाम्बिकी की क्या हो जाएगी, नापतो, उसको यहां से कह लिया हमने मोजा और यहां से कह लिया मापतो को नापतो, तो मोजाम्बिक की क्या हो जाएगी, नापतो। क्लियर, अगला चलते हैं, अगली है हमारी नेपाल, नेपाल की काठमांडू। देखिए नेपाली लोगों की बात करें, क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो नेपाली लोगों की जो काठी होती है वो कैसे होती है, कदकाठी कैसे होती है, छोटी होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो नेपाल की काठ, यानी कि जो काठी होती है वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, तो नेपाल की क्या हो गई, काठमांडू। क्लियर, आगे चलते हैं, अगली हमारी इंडोनेशिया की क्या है, जकार्ता। इंडिया जो नेशन है इसको ऐसे पढ़ेंगे, इंडोनेशिया को, इंडिया जो नेशन है वहां माता के क्या होती है, जगराते होते रहते हैं, जकार्ता, उनके जयकारे लगते रहते हैं, तो इंडोनेशिया की क्या हो जाएगी, जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया जो इंडिया एक नेशन है वहां माता के क्या लगते हैं, जयकारे लगते हैं, जगराता होता है, तो वहां क्या होती है, इंडिया, इंडोनेशिया की जकार्ता। क्लियर, अगला देखते हैं, अगली हमारी बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है, ढाका। देखो तो बांग्लादेश को हमने कैसे याद रखना है, ये क्या हमारा हो गया, बंगला हो गया, ठीक है, बंगला जनरली क्या होता है, आप किसी ना किसी चीज से ढक के रखते हो, यानी कि पेंट से ढक के रखते हो, किसी ना किसी से कवर करके रखते हो, अगर अच्छा है तो भी, तो सारी बांग्लादेश की क्या हो जाएगी, बंगला, बंगले को कैसे करके रखेंगे, ढक के रखेंगे, ठीक
ठीक है, तो बांग्लादेश की क्या हो जाएगी, ढाका। अगली क्या है, मलेशिया। मलेशिया क्या है, क्वालालंपुर। देखिए मलेशिया को आपसे रिलेट कर लीजिए मेले से, किससे रिलेट कर ले, मेले से। मेले में क्या है, क्वालालंपुर यानी कि कमाल, इसको बोलेंगे क्वाला, इसको बोल देते कमाल। कमाल के क्या लगे हैं, झूले लगे हैं भाई, दुकानें आई हैं, प्रदर्शनी आई है, तो मेले में कैसे आए हैं, कमाल की चीजें आई हैं, तो मलेशिया क्या हो जाएगी, क्वालालंपुर। क्लियर। अगली क्या है भाई आपकी, ईरान। ईरान की क्या है भाई कैपिटल, तेहरान। सिंपल सा है भाई, यहाँ पे ईरान आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रान आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो ईरान की क्या हो जाएगी, तेहरान। अगला देखते हैं तुर्की। तुर्की की क्या है आपकी कैपिटल, अंकारा। अब देखिए तुर्की को आप ऐसे रिलेट करिए, कुर्की से रिलेट करिए, एक वर्ड होता है कुर्की, यानी कि जब भी कोई लोग आपका बैंक से लोन लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको जब्त कर ली जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुर्की बोलते हैं। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, अंकारा है, यानी कि जो नाकारा, अंकारा कैसे रिलेट करेंगे, नाकारा, यानी कि जो नाकारा लोग होते हैं उनके सामान की क्या, उनकी प्रॉपर्टी की क्या हो जाती है, कुर्की हो जाती है। तो तुर्की की क्या हो जाएगी, अंकारा। नाकारा तुर्की की क्या हो गई, कुर्की हो गई, नाकारा लोग होगी, तुर्की की क्या होगी, अंकारा। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात। सिंपल सा देखेंगे यहाँ पे, जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं भाई, आबू धाबी में। आबू धाबी में जनरली आपको बहुत बहुत अमीर लोग मिलते हैं। अगला देखते हैं कुवैत। कुवैत की क्या है, सिंपल सा कुवैत सिटी है, इसमें कुछ याद नहीं याद करना। अगली है भाई लेबनान, इसको समझ लेते हैं। लेबनान की क्या है, बेरूत। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए ये क्या है, नान। इसको हम कैसे ब्रेक कर दें, नान है, यानी कि नान क्या होती है, एक तरीके से रोटी होती है। ठीक है, एक दोस्त है अपने दोस्त को क्या बोल रहा है, ले भाई नान ले ले, रूट मत, बेरूट को क्या बोलेंगे, रूट, तू रूट मत, तू नान ले ले, तू पनीर नान ले ले, तू प्याज नान ले ले, जो नान लेनी है तू ले ले, पर तू रूट मत। तो कैसे याद करेंगे, लेबनान की क्या करेंगे, बेरूट, बे रूट मत, उसको गुस्से में बोल रहा है, बे रूट मत, नान तू कितनी भी ले ले, तू 10 खा ले नान। ठीक है, तो लेबनान की क्या हो जाएगी, बेरूत। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इज़राइल। इज़राइल की क्या है, जेरूसलम। अब इसको समझिए, इज़राइल, इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं, इज़राइल यानी कि इज़रियल, इसको हमने क्या बोल लिया, इज़राइल, और जेरू को हमने बोल दिया जोरू, सलम को हमने क्या लिख दिया, सलाम भाई। सिंपल सा क्वेश्चन करोगे, इस रियल, क्या ये रियल है कि जोरू को सलाम करता है भाई, ऐसे आप कोई कोई बोलेगा, पूछेगा भाई इस रियल, क्या ये रियल है कि जोरू को सलाम करता है, तो इसराइल यानी कि इसराइल को कैसे ब्रेक किया, इस रियल, जोरू को सलाम करता है, तो जेरू सलाम, तो हमारे को याद हो जाएगी इसराइल की क्या हो जाएगी, जेरू सलाम। क्लियर। अगला देखते हैं, अगली है भाई कतर। कतर की क्या है, दोहा। अब आपका कोई कपड़ा था, अभी कपड़े धो रहा है, इनकी धोआ, इनकी धो रहे, धोने लगे, तो जितना ज्यादा धुल दिया कपड़ों को कि उसकी कपड़ों की क्या हो गई, कतर हो गई, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो कतर की क्या हो जाएगी, दोहा। क्लियर। मिस्र क्या भाई देखेंगे, अगली क्या है मिस्र। मिस्र की क्या है, काहिरा। मिस्र की क्या है, काहिरा। अब मिस्र की हम बात करें, इसको हम कैसे काहिरा को ब्रेक करें, काहिरा, काहिरा को हम क्या बोलते हैं, काहिरा, यानी कि मिस्र का हीरा। आपने मूवी देखी द ममी रिटर्न, तो उसमें जो पिरामिड था मिस्र का, तो उसके ऊपर सब बहुत बड़ा हीरा था, तो उसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि मिस्र का हीरा, यानी कि मिस्र में क्या है, हीरा है, तो मिस्र का हीरा, आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं। अगला देखते हैं लीबिया। लीबिया की क्या है, त्रिपोली। अब देखो क्या है, एक भाई बहन थे भाई, तो बहन मतलब भाई बहन को बहुत परेशान करता था, तो एक दिन भाई क्या कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था, तो बहन ने देख लिया, तो वो बोल दिए लिबिया, भैया बोल दिए, भैया लिबिया को कैसे पढ़ेंगे, भैया आज तो त्रिपोली तेरी पोल खोलूंगी, क्या बोली, तेरी पोल खोलूंगी, किससे बोलूंगी, पापा से बोलूंगी, किसी से बोलूंगी, लिबिया यानी कि भैया आज तो तेरी पोल खोलूंगी, यानी कि लिबिया की क्या होगी, त्रिपोली। क्लियर, ऐसे आसानी से याद हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला है भाई मोरक्को। मोरक्को की क्या है, रबात। अब इसको कैसे इसको ब्रेक करना, मोरक्को, अब इसको हम बोल सकते हैं मोए, यानी मेरे को मोए रोको, इसको हमने मोरक्को को कैसे ब्रेक किया, मोए रोको, यानी कि मेरे को रोको कहां से, रबात, रबात नहीं, बारात में जाने से, अगर मैं बारात में गया तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है, तो मोए रोको बारात में जाने से।
दूसरा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, मोरक्को बिस्किट आता है, मोरक्को क्या आता है, बिस्किट आता है, तो जो बारात आई थी उन सभी को क्या दिया हमने, मोरक्को बिस्किट्स दे दिए। क्लियर, आगे देखते हैं। अब ये नाइजीरिया, नाइजीरिया के अबूजा, अब इसको देखो कैसे अब ब्रेक करें, नाइजीरिया इसको अब बोले ना जारा, नाई ना जारा, ना जा रहा यानी कि नहीं जा रहा है, तो उधर से आवाज आती है अभी जा यानी कि अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। ठीक है, तो नाइजीरिया क्या हो गई, अभी जा, यानी कैसे याद करेंगे, नाइजीरिया की ना जा रहा, वो क्या बोलता है अभी जा। ठीक है, तो नाइजीरिया क्या हो जाएगी, अबूजा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये अंगोला, अंगोला क्या है, लुआंडा। अंगोला को बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, गोला, गोला है यानी कि कोकोनट की बात कर रहे हैं सिंपल सा, और ये क्या है लुआंडा यानी कि इसको लौंडा बोल दो सीधी सी बात, कि जो लौंडा है वो क्या खा रहा है, गोला खा रहा है, तो लुआंडा अंगोला की क्या हो जाएगी, लुआंडा। ठीक है, एक और देख सकते हैं भाई, गोल, गोल क्या होता है, अंडा, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, अंडा क्या है, गोल है, तो इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं भाई, नामीबिया, विंड हॉक, नामीबिया की क्या है, विंड हॉक। अब देखिए जहां भी इसको ब्रेक करो, नामी, नमी की बात कर रहे हैं, जहां भी नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वहां क्या चलेगी, विंड चलेगी, भाई हवा चलेगी, हवा भी वहां पे कैसी होगी, ठंडी होगी। ठीक है, तो नामीबिया की क्या हो गई, विंड हॉक। क्लियर भाई, अगले आपकी क्या, 37 देखेंगे, सोमालिया, सोमालिया की क्या है, मोगादेश। अब देखिए संडे के बाद भाई बहुत बिजी भी शेड्यूल रहता है संडे को भी, संडे के बाद क्या आता है, सोमवार, यानी कि मंडे आता है सोमवार आता है, सोमालियों को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, सोमवार से। ठीक है, संडे को तो भाई आराम से आप खूब अच्छा खाते पीते हो, सोमवार को क्या होता है भाई, आपको सुबह उठ के जाना होता है, तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में कुछ ही बना लेते हो, तो मोगादिश को आपने बोल दिया मैगी डिश, मैगी, ठीक है, डिस्को डिश, यानी कि सुबह उठ के आपने भाई अपने नाश्ते में आपने क्या बनाई, सोमवार को जल्दी जल्दी यानी कि सोमवार को जो आपने नाश्ता लिया वो क्या लिया, मैगी डिश का नाश्ता लिया, तो सोमवार लिया की क्या हो गई, मोगादिश। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली भाई इथोपिया, अदिस अबावा। ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे, इथोपिया अदिस अबावा, यानी कि एक तरीके से पंजाबी वर्ड आपने सब सुना होगा कि भाई एक औरत है भाई, कोई बाबा आया उनके घर पे, बोलता है इथोपियो बाबा, यानी कि इसको पानी पीने को दे रही है, कुछ भी पीने को दे रही है, तो वो क्या कहती है, इथोपियो बाबा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी चीज वो क्या कह रही है, इथोपियो बाबा। तो इसी तरीके से हम इथोपिया की याद कर लेंगे, अदिस अबावा। क्लियर, अगला देखते हैं, बोत्सवाना गैबोरोन, यानी कि बोत्सवाना, इसको बोल, इसको बोत्सवाना को कैसे याद करेंगे, देखो तो इसको बोलने बहुत सुहावना, बोल सकते हैं बहुत सुहावना, सुहावना, बहुत सुहावना क्या है, मौसम आ गया भाई, बहुत सुहावना एटमॉस्फेयर बना दिया किसने, गैबोरोन ने, गबरू ने, इसको कैसे बोले, गबरू ने, गबरू हमारा सिंगर है, उसने गाना गाया और उसने बहुत ही सुहावना क्या कर दिया, मौसम बना दिया, एटमॉस्फेयर बना दिया, तो बोस माने क्या हो गई, गैबरोन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली हमारी कीनिया, की है नैरोबी, यानी कि कीनिया, यानी कीनिया से हम केवल की निकालेंगे, की यानी कि चाबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नैरो, नैरोबी से हम क्या लेंगे, नैरो, क्या लेंगे, नैरो लेंगे, तो की हमेशा आपकी क्या होती है, जनरली नैरो होती है, छोटी सी होती है की, तो बड़ी तो नहीं होती है, तो कीनिया की क्या हो जाएगी, नैरोबी, सिंपल सा। अगला देखते हैं, अगली है अभी हमारी मॉरिशस, ये फिर से आगे देखिए, मॉरिशस की हमने एक बार फिर से देखी थी, मॉरिशस की क्या थी, मोरी सास, मेरी सास, मेरे लिए क्या लेके आए, पैंट लेके आए, किसकी, लिवाइस की, यानी कि लिवाइस की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, तंजानिया, तंजानिया की आपकी दो दो माँ, अब ऐसे समझ लीजिए दो दो माँ जिसकी होगी, तंजमानी यानी कि उसको तंजमानी होता है, ताना कसना एक तरीके से। ठीक है, दो दो माँ होंगी, एक भाई लड़कियों के लिए भी एक माई उनको डेली ताना कसती रहती है, तो ऐसी कहेंगे दो दो माँ होंगी तो कितना हो, तंज कसेंगी बहुत ज्यादा, तो तंजानिया की क्या हो जाएगी, दो दो माँ। क्लियर, अगला देखते हैं, अगला है भाई अल्जीरिया, अल्जीरिया क्या है, अल्जीरिया, सिंपल सा है, अल्जीरिया की क्या हो जाएगी, अल्जीरियस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्बाब्वे क्या है, हरारे, जिम्बाब्वे यानी कि जिम वाले जो भाई वो हैं, जिम वाले को हरा रहे, जिम कोई जिम करके आया उसको हरा के दिखाए रहे, सिंपल सी बात, जिम, जिम इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, जिम वाला कोई बंदा है
उसको हरा के दिखाया रे, पतले बंदे को तो हर कोई हरा देता है, पीट देता है, कोई जिम वाले को हरा के दिखाए तो इसको क्या देगा, जिम्बाब्वे की क्या होगी, हरा रे। अगला देखते हैं कॉन्गो, कॉन्गो की क्या है, ब्राज बिले। यानी कॉन्गो का मतलब हमारा होता है बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉन्गो को, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ब्राज। ब्राज को हम देखे ब्रास मेडल होता है, ब्राउन मेडल होता है, सिंपल सा ब्राउन भाई, ब्राउन मेडल मिला है ब्लेज को भाई, ब्लेज है कोई हमारा, उसको भाई उसने कुछ अद्भुत काम किए भाई, उसको कैसे मेडल मिला, ब्राउन मेडल मिला है भाई, तो उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, कॉन्गो कर रहे हैं, तो कॉन्गो की क्या हो गई, ब्रास ब्लेज, ब्लेज ने भाई उसकी ब्लेज को भाई उसने सब साफ सफाई बहुत अच्छी थी, तो वहां का क्या मिला, उसे ब्राउन मेडल मिला सरकार की ओर से, तो उसको क्या मिला, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हर कोई, ठीक है, तो कॉन्गो की क्या हो जाएगी, ब्रास ब्लेज। क्लियर। अगला देखते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की क्या है, काबुल। अफगानिस्तान की क्या है, काबुल। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपने गाना सुना होगा अफगान जलेबी, सिंपल सा एक गाना सुना होगा अफगान जलेबी, ठीक है, कबूल है कबूल है, अफगान जलेबी कबूल है कबूल है, तो अफगान का क्या हो जाएगा, अफगान जलेबी क्या है, कबूल है, सब तो कबूल है, तो अफगान की क्या हो गई, अफगानिस्तान की कबूल, ठीक है, काबुल हो जाएगी। अगला देखते हैं माली, माली की क्या है, बमको। अब देखिए माली है, यानी कि माली को सिंपली आपका माली से रिप्रेजेंट करने देते हैं, और बम को कहते हैं बम, माली को क्या मिला, अपने बगीचे में एक बम मिला, और बम को क्या हो गया, धमाको हो गया, माली को बम मिला, उस बम का क्या हो गया, धमाको, धमाको हो गया, यानी कि बम को, माली को क्या मिला, बम मिला, और बम का क्या हो गया, धमाको हो गया, बमाको धमाको, ठीक है, माली की क्या हो जाएगी, बमाको धमाको। आसानी से याद कर सकते हैं। आज हमने लगभग 20 मिनट के अंदर 45 से ज्यादा देश की राजधानियां ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर ली। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करा दूंगा। और आपको लगता है कि इन देशों की और भी ट्रिक हो सकती हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ टैग करेंगे। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हमारी टीम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि उनका भी फायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।